بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور بلندر عزیزان گرامی سلسلہ مجالس اختتام کو پہنچ رہا ہے آج یہ دو آیتیں سورہ مبارکہ انعام کی اور یہ عنوان کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر یہ عنوان بھی تشنا رہا جاتا ہے اور آیتوں کی تفسیر بھی میں ہمیشہ کی طرح اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں نہ حق فضائل ادا ہوا اور نہ حق مصائب ذکر حسین ذکر اہل بیت ذکر مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ بے پناہ ذکر ہے لوگ الزام غلو کا لگائیں گے مگر سچ یہ ہے کہ ان کا پھیلا ہوا ذکر قرآن بھی سمیٹ نہیں پایا ہے قرآن عظیم ہے قرآن بہت عظیم ہے مگر قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے اہل بیت وہ ہیں جو اقدار کا پیکر ہیں کاش دنیا ان مقامات کو سمجھتی یہ جو مسلسل میں ترجمہ کرتا آ رہا ہوں ارشاد الہی ہے کہ نبی کہہ دیجئے
कि मेरी सलात, मेरी तमाम इबादतें, मेरी कुर्बानियां और मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत सब उस माबूद बरहक के लिए है जो तमाम आलमीन का परवरदिगार है। ला शरीक लहू, कोई इसका किसी एतबार से शरीक नहीं है। वबिदालिक उमर्त, और मैं इसी पर मामूर हूं। वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सरे तस्लीम खम करने वालों में सबसे पहला हूं। आवाज़े बुलंद सलावत खुद इन अल्फाज में अभी जो मजमून है उसकी तशरीह नहीं हो पाई है। ये जो फिक्रा कहा गया वबिदालिक उमर्त, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है, मैं मामूर हूं। काश आप हजरात ये एक फिक्रा इस फकीर का याद रखें तो सैकड़ों सफ़े की बहस से मिट आएगी। मामूर हूं, मजबूर नहीं हूं। मैं मामूर हूं वबिदालिक उमर्त, मैं मामूर हूं, मैं मजबूर नहीं हूं। अम्र उसी को किया जाता है जो मुख्तार हो करने पर और ना करने पर। मजबूर को कोई अम्र नहीं किया जाता। कायनात में जितनी बेजान चीजें हैं वो फितरत के कवानीन की पाबंद बना दी गई हैं। इलेक्ट्रॉन एक रुख पर गर्दिश कर रहा है तो करता रहेगा, उसमें ये इख्तियार नहीं है कि अपनी समत को तब्दील कर सके। जिन एलिमेंट्स में रेडिएशन है, रेडिएशन है, उनमें ये सकत नहीं है कि रेडिएशन को रोक सके। जिनमें नहीं है उनमें ये ताकत नहीं है कि रेडिएशन पैदा कर सके। सूरज एक समत में रवा दवा है तो रवा दवा है। चांद को एक सफर तय करना है तो तय करना है। कायनात की हर चीज कवानीन कुदरत की पाबंद बनाई गई है। ये इंसान है जिसे मामूर किया गया है, मजबूर नहीं किया गया। नाक ही अपने को मजबूर समझता है और गिला करता फिरता है, जो चाहे सो आप करें हैं, हमको बस बदनाम किया। ये इंसान की नादानी है। जबर नहीं। अब आज मैं ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहस बहुत अहम है। ये बहस बहुत अहम है हमारे अजीजुल कदर, मुझे बहुत मोहब्बत है इनसे, अली आजम साहब जो फलसफा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और जिक्र अहले बैत भी अंग्रेजी जबान में शुरू कर दिया है इन्होंने। परवरदिगार इनकी तौफीक और में ज़रफ़ा फरमाए, और मेरी दुआ है कि जल्द अज जल्द ये
PhD भी कर लें और फलसफे अखलाक पर काम करें। अभी भी कर रहे हैं, इनकी कुछ तकरीरें टेलीविजन पे आई। अब जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बात मामूर होना और मजबूर होना दोनों में जमीन का आसमान फर्क है। मजबूर होना जिल्लत की बात है, मामूर होना एजाज की बात है। मामूर होना एजाज की बात है और इसके बाद जो शख्सियत जिस मकाम की होती है उसको उसी मकाम पर मामूर किया जाता है। यानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मंजिलत के मालिक हैं उनको उस मंजिलत पे हक सुभानहु व तआला ने मामूर फरमाया है। अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया अलैहिस्सलाम जो जिस मंजिलत का है हक सुभानहु व तआला ने उसे उस मंजिलत पर मामूर किया है, मंसूब किया है, ओहदा अता किया है और जिम्मेदारी अता की है। मामूर होने के मानिए जिम्मेदारी पाना और जिम्मेदारी को निभाना। यहीं पर बहुत सी बहसें जो फलसफे जबर अख्तियार से मुतालिक हैं सिमट आएंगी और वो कलामी बहसें जो निहायत नादानी की हैं, मैं तो यही कहूँगा। ये कुछ लोगों ने ये कहने की कोशिश की है कि हक सुभानहु व तआला, अल्लाह सुभानहु व तआला तो कादिर मुतलक है, उसने जो काम अहले बैत से लिया है वो काम लिखने वाले ने जो लिखा है या कहने वाले ने जो कहा है वो तो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। ये जुमला बहुत रकीक है, कहने वाले ने ये कह दिया है कि वो कादिर मुतलक है, जो काम उसने अहले बैत से लिया है वो किसी मक्खी या मच्छर से भी ले सकता था। इसीलिए मैंने कहा था कि इससे ज्यादा नादानी का जुमला नहीं हो सकता। हक सुभानहु व तआला, अल्लाह सुभानहु व तआला आदिल है, वो कादिर है तो आदिल भी है। और आदिल के मानी ये होते हैं कि जो शय जिस मर्तबे की मुस्तहक हो उसको वहीं रखा जाए। इनकी मंजिलत मुस्तफ़ा तय्यन अव्वल, मुस्तफ़ा नूर अव्वल, मुस्तफ़ा खल्क अव्वल, मुस्तफ़ा हादी अव्वल, मुस्तफ़ा नबी अव्वल और मुस्तफ़ा नबी खातम। एक रिवायत भी है कि सरकार रिसालत महाब ने फरमाया और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाया है कि अनल अव्वल अनल आखिर अनल ज़ाहिर अनल बातिन, मैं अव्वल हूँ मैं आखिर भी हूँ, मैं ज़ाहिर भी हूँ मैं बातिन भी हूँ। तो लोग ये समझते हैं कि ये नऊज़ु बिल्लाह इद्दिआए उलूहियत है, या हम जो इस हदीस को तस्लीम करते हैं तो हमें ये ताना दिया जाता है कि आप उलू करते हैं, आप इनके लिए उलूहियत के कायल हैं। अरे अव्वलियत और आखिरियत के कितने पहलू हैं, कितने रुख हैं खुद फलसफे में। अब इसके बाद का जो फकरा है जहाँ कहा गया वो आना अव्वलुल मुस्लिमीन,
और मैं सबसे पहला हूँ सरे तस्लीम खम करने वालों में। तो देखने की बात है कि यहाँ अव्वलियत के कितने पहलू हैं। अव्वलियत को अगर हुदूस व कदम के दायरे में ले जाएं तो एक है हुदूस जमानी, एक है हुदूस दहरी, एक है हुदूस इस्मी, एक है कदम जाती और हुदूस जाती। यानी देखना पड़ेगा कि ये जातन अव्वल हैं या जमानन अव्वल हैं या ज़र्फ़ दहर में अव्वल हैं या ज़र्फ़ सरमद में अव्वल हैं, किस एतबार से कहा जा रहा है। अगर आपकी निगाह कोता है तो इबारत को गलत ना ठहराइए। इबारत को गलत ठहरा, रिवायत को झुठला देते हैं। ये तो आम फलसफे की निसाबी किताबों में एक है हुदूस व कदम जमानी। ये क्या है? अब चलिए, आज लग रहा है कि आप लोग सुनना चाहते हैं। मैं भाई साहब क़िबला से अर्ज कर रहा था कि आपने मुझे यहाँ पढ़वा के जुल्म किया, इसलिए कि लोग लग रहा था मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। आज आखिरी मजलिस में लग रहा है सुनना चाहते हैं। तो आप हजरात का भी माशाल्लाह मूड होता है, एक सलावत पढ़ दीजिए। हुदूस जमानी और कदम जमानी यह है कि जमाने में कोई चीज वजूद में आए और उससे पहले जमाना हो। हम सब, मैं 60 बरस पहले नहीं था मगर वक्त था, मैं नहीं था, है ना? क्या झूम रहे हैं आप और वाह वाह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कर रहे हैं, हैं? अच्छा, ये समझिए कि वो जो वक्त था उस वक्त का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं जब से पैदा हुआ मेरा वक्त मेरे साथ पैदा हुआ है, ये एक अलग मसला है, ये एक बिल्कुल अलग मसला है। इसीलिए बहुत से बुजुर्ग, बहुत से नौजवानों को कहते थे कि मियाँ फलसफा ना पढ़ा करो। फलसफा पढ़ने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। तो बहरहाल, मैं नहीं था 60 बरस पहले मगर वक्त था। अभी उसी वक्त की बात करें कि जो वक्त था, लेकिन और ये वक्त वही था जो 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, और आपके यहाँ तो कभी कभी 4 घंटे का दिन और 20 घंटे की रात, कभी 4 घंटे की रात और 20 घंटे का दिन, यही सिलसिला है रोज़ और शब। अच्छा, और ये सिलसिले रोज और शब वजूद में कैसे आता है, दिन रात कैसे बनता है? अबे, जमीन गर्दिश करती है और जमीन और सूरज के जाविये बदलते रहते हैं तो दिन और रात वजूद में आता है। और जब ना सूरज था ना जमीन थी तो कौन सा जमाना था ना? ये तो साइंस भी कहती है कि एक वक्त वो था जब न ये जमीन थी और न ये सूरज था। ये तो कोई मजहबी दावा नहीं है, ये तो साइंसी दावा है। कितनी किताबें आ गई हैं इस पर, कॉस्मोलॉजी पर। कि बहरहाल एक नुक्ता आगाज था। तो जब जमाने का ये पैमाना ही नहीं था तो फिर कौन सा पैमाना था? यानी अगर ये तय करें कि सूरज जब वजूद में आया है तो उससे पहले क्या था, टाइम था या कुछ और था? आ गई मुश्किल। और टाइम था तो कौन सा टाइम था, उसे नाम क्या देंगे? बहरहाल, तो एक ये है कि हम ज़र्फ ज़मान में ये जो गर्दिशे लैलो नहार है, इसमें जो पैदा हुआ हो
वो है हादिफ जमानी, वो ज़र्फ जमान में पैदा हुआ है, इसलिए उससे पहले जमाना है। और जो मुझसे पहले पैदा हुआ बिरादर मुआज़्ज़म, मेरे 10 साल मुझसे बड़े हैं, तो मेरे मुकाबले में वो है कदीम, मैं हूं हादिस। अच्छा, जब ये जमानियात से मुताल्लिक कोई चीज नहीं थी तो कौन सा ज़र्फ था? उसे इस्लामी हिकमत कहती है कि वो ज़र्फ़ दहर था, जमान के मुकाबले में दहर का लफ्ज आया। ज़र्फ़ दहर में जो चीज वजूद में आई वो है हुदूथ दहरी। ये मीर बाकिर दामाद अलैहिर रहमा का नजरिया। अब ज़ाहिर फलसफी की क्लास तो है नहीं, तो मैं इसे ज्यादा फैलाऊंगा नहीं इस बयान को। अच्छा, जब ना जमीन थी, ना आसमान था, ना सूरज था, ना सितारे थे, ना चांद था, जमीन बतौर खास नहीं थी कि उसकी मिट्टी जमा करके उसमें पानी मिला के गूंध के कोई पैकर बनाया जाता और आदम बनते। उस वक्त भी अगर कोई नबी था तो उसकी अव्वलियत कौन सी अव्वलियत है? हुवल अव्वल कहा जाएगा या नहीं? उसके बाद सिलसिला जमाए। उन्होंने खुद फरमाया, कुंतु नबियन व आदम बैन अल्माए व तीन, मैं नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, और ए अली तुम उस वक्त भी वली थे जब आदम आबो गिल के दरमियान। वो नबी थे जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, वो वली थे जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। ये जो आयत तथहीर नाजिल हुई ना, और फिर एक चादर के साए में अहले बैत को जमा करके पैगंबर ने फरमाया, यही है मेरे अहले बैत। एक दर और दीवार और छत के होते हुए अलाहदा से एक चादर का घर छोटा सा बनाकर इन पंजतन को अलग करने के मानी ये थे कि पहचान लो ये सब के सब वो हैं जो जमाने में पैदा नहीं हुए, इनकी तखलीक कबल जमा हो चुकी है। उस वक्त भी नूर जहरा था, उस वक्त भी नूर हसन मुश्तबा था, उस वक्त भी नूर सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन। और इसकी तायीद करती है वो रिवायत जो जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी से है। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी ने हजरत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा है, या अबा अब्दुल्लाह, जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो आप कहाँ थे? यानी जनाब अबू ज़र को ये मालूम है कि ये थे। अबू ज़र को ये मालूम है कि ये थे, आप कहाँ थे? तो आपने फरमाया, कुन्ना अशबाह नूर, हम तो नूर के पैकर थे और अर्श इलाही के गिर्द तवाफ किया करते थे। सब कुछ हमारे बाद बना है, जिब्राइल हमारे बाद बने हैं, मीकाईल हमारे बाद बने हैं, फरिश्ते हमारे बाद बने हैं, और फरिश्तों ने खल्क होने के बाद एक हैरत के आलम में थे। जब हमने हमद इलाही की तो उन्होंने हमद करना सीखा, जब हमने तस्बीह की तो उन्होंने तस्बीह करना सीखा, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सीखा। ये हुसैन है जो हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। फरिश्तों ने मुस्तफा को नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सिखाया है, मुस्तफा ने और अहले बैत मुस्तफा ने फरिश्तों को ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सिखाया है। कहाँ है मुसलमान, कहाँ है उरफा, कहाँ है हुकमा?
कहाँ है मुतकल्लमीन, कहाँ है मुफस्सिरीन। ये वो मंजिल है जहाँ हजरत ने फरमाया वा अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला हूँ सर तस्लीम खम करने वाला। बस अब एक और अहम बहस, देखिए सर बहुत बहुत अहम बहसें थी, मैं आज भी इसे फेहरिस्त सुना रहा हूँ, बयान थोड़ी मुकम्मल हो रहा है। वह आना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला हूँ सर तस्लीम खम करने वाला, और इससे पहले का बयान महयाया व ममाती, फिर जरा पलट के वहां तक आए। قل ان صلاتي ونسكي, कह दीजिए कि मेरी सलात व नुसुकी और मेरी तमाम इबादतें और तमाम कुर्बानियां, व महया व ममाती और मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत, सब उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मैंने एक बात बार बार अर्ज की है इधर कि शरीयत के अहकाम फिक सिर्फ जिंदगी का नक्शा पेश करता है, इल्म फिक। इसलिए अगर पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए बसर करनी है तो अहकाम के सहारे से नहीं, अकदार के सहारे से बसर करनी होगी। यह आपका सब्जेक्ट अकदार, वैल्यूज, अकदार, ना कि अहकाम। अगर इंसान अहकाम का पाबंद रहे, सिर्फ अहकाम का पाबंद रहे, तो मैं समझता हूं लकीर का फकीर कहलाएगा। अगर अकदार उसके अंदर पाए जाते हैं, कदरें पाई जाती हैं, तो वो कह सकता है कि मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बसर हो सकती है या हो रही है। अहकाम अकदार का ताल्लुक क्या है? अहकाम में है नमाज में कयाम, वकूमू लिल्लाह कानितीन, अल्लाह के लिए खड़े हो, अल्लाह के सामने खड़े हो, अल्लाह के लिए खड़े हो, कुनूत की हालत में या अल्लाह से ही लौ लगाए हुए अल्लाह के लिए खड़े हो। ये फिक्रा जी भी वकूमू हुक्म है खड़े हो, लिल्लाह अल्लाह के लिए, कानितीन अल्लाह ही से लौ लगी हुई हो। ये कयाम, ये जो नमाज में हम्द और सूरा पढ़ के आप रुकू में झुक जाते हैं, बस इतना कयाम काफी है। बस इतना कयाम काफी है, हक अदा हो जाएगा। ये कयाम इसलिए सिखाया गया है ताकि वो खूब पैदा हो जाए, वो जज्बा बेदार हो जाए, वो फिक्र रोशन हो जाए, वो नजरिया कायम हो जाए, वो हौसला पैदा हो जाए कि जिंदगी के किसी भी मरहले में इंसान खुदा के लिए कयाम कर सके। हुक्म का मोहताज ना हो, बस ये ख्याल है कि खुदा का तकाजा क्या है, हमें उस तकाजे को पूरा करना है हर हाल में, यही है कयाम। फिजिकली दो पांव पे खड़ा होना, ये माहियत कयाम नहीं है। माहियत कयाम ये है, अब आप बताइए कि अगर कोई शख्स दो पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, उसकी नमाज होगी या नहीं? यही मैंने अर्ज किया था ना कि अगर तफसील से नमाज के अहकाम ज़हन नशीन हो जाएं, तो पूरी जिंदगी कैसे खुदा के लिए बसर होती है ये राज समझ में आ जाए। नहीं खड़ा हो सकता, दो पांव नहीं है, कट गए जंग में या जख्म हो गया, दर्द है, नहीं खड़ा हो सकता। अब ये कयाम इसका तस्लीम होगा या नहीं?
ظاہری قیام ساقط ہو جائے گا، باطنی قیام قبول ہو جائے گا۔ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے شخص، پاؤں نہیں ہے، کٹ گئے، ٹوٹ گئے، زخم ہو گیا، درد ہے، بیماری ہے۔ عام حالات میں، اس سے بھی کم تر مثال دوں، عام حالات میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر عام حالات ہیں، اختیار ہے آپ کو، اور قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھیں گے، نماز باطل ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور حالات ایسے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر نہیں سکتے، جیسے مثلا جنگ، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، ایک طرف دمشق کی فوج ہے اور ایک طرف کوفے کی فوج، ایک طرف شام کی فوج ہے، ایک طرف عراق کی فوج ہے، ایک طرف طاغوت بنو امیہ ہے اور ایک طرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جنگ ہو رہی ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر سے رخ موڑ کے کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اسی کیفیت میں کہا اللہ اکبر، یعنی دل کی توجہ پوری خدا کی طرف ہے، تو اگر ظاہری طور پر کعبے کی طرف توجہ نہیں کر سکا تو قبلہ مسلم، شرط قبلہ رو ہونے کی یہاں پر۔ یہاں پر اس حالت میں حذف ہو جائے گی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، نماز کا اعادہ بھی نہیں کہ دوبارہ پڑھیے نماز۔ تو کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا یا کعبے کی سمت رخ کر کے کھڑا ہونا، مسجد الحرام کی سمت عام اختیار کے حالت میں رخ کر کے کھڑا ہونا، یہ حکم ہے جو اس کیریکٹر کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ دل کی سوئی ہمیشہ اللہ کی طرف رہے۔ قیام کی شرط اس لیے کہ خدا کی خاطر اپنی زندگی میں کوئی قدم اٹھانے کا حوصلہ برقرار رہے۔ رکوع اس لیے ہے کہ انسان میں تکبر پیدا نہ ہونے پائے خدا کے مقابلے میں۔ سجدہ اس لیے کہ انسان کے اندر خدا کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری پیدا ہو۔ اسی لیے جو لوگ جھک نہیں سکتے، ریڑھ کی ہڈی میں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ سجدہ نہ کریں، پیشانی جھکائے نہیں زمین پر، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یا فرض کیجئے کوئی شخص ڈوب رہا ہے پانی میں، وہاں زمین ہے ہی نہیں، قیام و رکوع کیا، وہاں سجدہ کس انداز سے ہوگا؟ ایک سر کا ذرا سا اشارہ، آنکھ کو آنکھ بند کیا اس ارادے سے کہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ قبول۔ اس کے کیا معنی ہے کہ یہ سجدہ جو واجب کیا گیا ہے عام اختیار میں، یہ صرف اس قدر کو، اس ویلیو کو پیدا کرنے کے لیے کہ انسان نعمت الہیہ کی قدردانی کر سکے، شکر گزار بنے، کفران نعمت نہ کرے۔ تو یہ جملہ اس فقیر کا یاد رکھیے کہ جب تک آپ احکام کے صرف پابند رہیں گے تو ممکن ہے کہ پوری زندگی نظر اللہ نہ کر سکیں، جب آپ اقدار کے پابند ہو جائیں گے تو کیفیت زندگی کی کچھ اور ہوگی۔ اور اقدار کے ساتھ جینا آسان نہیں ہے۔ ایسے میں کیا کر، آپ سب سے حضرات سے دست ادب جوڑ کے میں معافی مانگ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، عام طور پر اس وقت جو انسانی معاشرہ ہے وہ یہ شعور بھی نہیں رکھتا کہ اقدار کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ قدریں، اقدار، ویلیوز، اور جو ان نقطوں کو پا جاتے ہیں
उनके लिए ये दुनियादार इब्तिला और बन जाती है। कदरों के साथ जीना आसान थोड़ी है, खून के घोंट पी पी के जीना पड़ता है कदरों के साथ। कदरदानी, मोहब्बतों की कदरदानी, एहसान की कदरदानी, वफाओं की कदरदानी, बड़ों की कदरदानी, किस वक्त किस लम्हे में हमारा क्या अखलाकी फरीजा है, किसके लिए हमें किस वक्त क्या अखलाकी रवैया अख्तियार करना चाहिए, अब यहां ठहर कर आप मुझे रेसिस्ट न कह दीजिएगा कि मैं नस्ल परस्त हूं या कौम कबीला परस्त हूं, मगर एक बात जरूर है, सारी दुनिया अरबों का मजाक उड़ाती है। मैं कहता हूं इस बात से हजर कीजिए, अरब कौम वो कौम थी और वो कौम है जिसके यहां अकदार के साथ जिंदगी बसर करने का की रिवायत कायम रही है। यह और बात है कि आज जो लोग अरब कहलाते हैं वो अरब नहीं है, धोखा ना खा जाइएगा। अरब वो हैं कि जिनकी सताइश मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर की हदीद है, इरशाद है कि हक सुभान व तआला ने तमाम रूए जमीन के इंसानों पे नजर डाली और उसमें से अरब का इंतखाब किया और अरबों में सब पे नजर डाली, तमाम कबीलों पर, तमाम नस्लों पर, बनू हाशिम का कुरैश का इंतखाब किया और कुरैश में से बनू हाशिम का इंतखाब किया और बनू हाशिम में से नस्ल अब्द मुत्तलिब का इंतखाब किया और मुझे इस नस्ल मुबारक में पैदा किया और इसलिए मैं सैयद कायनात हूँ। दुनिया में वो अरब नस्ल असील अरब, उनके यहां कदरें हैं, उनके मर्दों में, उनकी औरतों में कदरें हैं। कदरों के साथ जिंदगी बसर करना हर लम्हा एक मारका होता है, हर लम्हा एक मारका होता है जिंदगी में। अगर कदरें हैं, कदरें नहीं आए तो जैसे कल अनआम हैवानों की तरह जिंदगी बसर कर लीजिए या उससे भी पस्ता। अगर इंसान हैवानों की तरह जिंदगी बसर करे तो चाहे वो हैवानों के बराबर जिंदगी बसर करे कहलाएगा पस्तर, कहलाएगा पस्तर। बस अब इससे ज्यादा बयान करना नहीं चाहता हूं क्योंकि साथ नहीं दे रही है तबीयत। ये जुमला बार बार दोहराऊंगा, बार बार जहन में ताजा कीजिएगा ये जुमला कि सिर्फ अहकाम के साथ नहीं अकदार के साथ जिंदगी बसर करना सीखिए। परवरदिगार हमें अकदार के साथ जिंदगी बसर करना तालीम फरमाए और अकदार के साथ जिंदगी बसर करने का हुनर, सलीका, ये तहजीब, ये सकाफत अगर कहीं हम सीख सकते हैं तो मुस्तफा और अहले बैत मुस्तफा का घराना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फजाइल पढ़ूं या मसाइब आप गिरिया करेंगे, इसलिए कि बात मिसाल देने की है। आजकल दुनिया में रिश्ते किस तरह पैदा होते हैं, दोस्तियां हों या रिश्ते, मजबूरी के रिश्ते होते हैं, अहकाम की पाबंदी होती, कदरें थोड़ी होती,
قدریں دیکھنی ہوں تو آپ ان خواتین کو دیکھیں جو کربلا میں تھیں. عورتیں شوہروں کی قدر کرتی ہیں بس اس وقت تک جب تک شوہروں کے جیبوں میں پیسہ ہو, جب تک شوہروں کے ساتھ عزت اور نیک نامی میسر ہو, آرائش و آسائش میسر ہو. آسائش زندگی عام طور پر ذرا سا بات اقدار تک آئی اور اس کے بعد حالات دیگرگوں ہونے لگتے ہیں. کربلا کی کیسی بیویاں تھیں اور کیسی مائیں تھیں, کسی کی زبان پر اپنے کسی شوہر کے لیے یہ نہیں آیا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. اسے کہتے ہیں وفا, اسے کہتے ہیں محبت, اسے کہتے ہیں قدردانی. یہ اقدار کی زندگی. عورتیں تھیں, وہ بھی عورتیں تھیں, عورتیں تھیں. اور صرف سرکار سید الشہداء تک بات نہیں ہے, یہ ہمارے آپ کے لیے وہب کی مثال کافی ہے. وہب اور وہب کی بیوی, وہب کی ماں, زہیر قین, زہیر قین کی زوجہ, حور اور کی زوجہ, حبیب اور حبیب کی زوجہ. ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے ہمارے ہاں, عورتوں کی زبان میں سب سے پہلے آتا ہے کہ چلیے آپ بیٹھیے خاموش. ارے بھائی مسئلہ ہے, حق ادا کرنا ہے, عافیت کوشی نہیں. کیسی تھی حبیب کی بی بی کہ جب حبیب نے آقا حسین کا خط پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے غور کرنا شروع کیا تو بی بی نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں, تمہیں میری فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, غیرت نہیں ہے, آقا حسین بلا رہے ہیں اور تم جانے سے گریزا ہو. یہ وہ بیویاں تھیں جو احکام کی نہیں اقدار کی پابند تھیں. اقدار, یہ قدریں اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. احکام نہیں, اقدار. بس مسلسل آپ کے سامنے ساری روایتیں ہیں, مسلسل مختلف امام بارگاہوں میں زاکرین بیان کر رہے ہیں. کوئی کوئی بیان کرتا ہے, کوئی روایت کسی کی زبان پہ ہے, کوئی روایت کسی کی زبان پہ ہے. حضرت ابو الفضل العباس کی زوجہ, حضرت ابو الفضل العباس کے بچے, مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں بہت طاقت سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت, لیکن مجھے اطمینان ہے کہ کم سے کم دو تین باتیں میں نے ایسی کہی ہیں جو آپ کے لیے سرمایہ فکر بنیں گی. یہ یاد رکھیے آپ مامور ہیں, مجبور نہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اقدار کی زندگی بسر کرنی ہے, صرف احکام کی نہیں. اقدار کی زندگی بسر کریں گے تبھی اہل بیت کا کردار سمجھنے کے لائق بنیں گے, ورنہ قدم قدم پر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے رہیں گے. حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا, علی نے ایسا کیوں کیا, حسین نے ایسا کیوں کیا, یہ شکوک و شبہات, یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اقدار اخلاقی اور اقدار انسانی اور اقدار اسلامی پر زندگی بسر کرنے کا شعور پیدا کر لیا تو یہ ہستیاں سمجھ میں آنے لگیں گی, پھر دل ان سے قریب ہوگا, یہ آپ کے دل سے قریب ہوں گے, اور پھر عاشورہ گزر جائے گا کیلنڈر میں, لیکن آپ کے دل میں عاشورہ قائم رہے گا. آج 11 محرم ہے,
आज का दिन कल के दिन से कम अंदोहनाक तो नहीं है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। क्या क्या रिवायतें हैं जो पढ़ने से पहले कलेजा खून हो जाता है। मुझ में ताकत नहीं है, ताकत नहीं कि रिवायतें भी नकल करूं। दिल सीने में ऐसा लग रहा है जैसे दिल नहीं है, कोई जख्म है। अभी मैं मगरिब की नमाज से पहले बैठकर एक किताब का मुताला कर रहा था और उसमें दफ्न शुहदाए करबला की रिवायतें पढ़ रहा था। कबल इसके कि उन रिवायतों में से बाज रिवायतों की तरफ इशारा करूं, ये सवाल जरूर दोहराऊंगा उन नाम निहाद मुसलमानों से, ये सवाल करूंगा कि तुम किस तहजीब के पाबंद हो, किस कानून के पाबंद हो, किस शरीयत के पाबंद हो। तुम गौर करते हो, तारीख पढ़ते हो। उमर इब्न साद नहस ने, शकी इब्न शकी ने अपनी फौज के मकतूलीन को दफन किया और फर्जंद रसूल को दफन नहीं किया। फर्ज कर लें खाकम बदहन, खाकम बदहन, नकले कुफर को फरना बाशद। हुसैन गुनाहगार थे। इस्लामी मुल्कों में हद जारी होती है ना, हद जारी होती है, हद वाजिब। सऊदी अरब में गर्दनें उड़ाई जाती हैं, फिर उनको दफन किया जाता है या नहीं? किस शरीयत के पाबंद थे जिन पे तुम तरहम करते हो, जिन्होंने किसी और को नहीं रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल किया, घोड़ों से पामाल किया और बेगोरो कफन छोड़ के चले गए। ये ना अकदार के बंदे थे, ना अहकाम के बंदे, ये कुफर के बंदे थे। इनके कुफर में शक है, इनके फिस्क में शक है। बस ये एक जुमला, यही तसव्वुर हमेशा इस दिल को जख्मी रखने के लिए काफी है कि हुसैन शहीद हुए, हुसैन पामाल हुए, हुसैन बेगोरो कफन रह गए। बनी असद का एक शख्स जो बामारिफत नहीं था, जो बामारिफत नहीं था, और वो नहर अलकमी के करीब रहता था। वो नहर अलकमी जहां आका अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने के लिए गए थे और जिसके साहिल पर आप शहीद हुए हैं, वहीं उसकी ज़राअत की ज़मीनें थीं, वो अहले विलायत नहीं था। वो कहता है कि जब जंग खत्म हो गई तो हमें तो बस इतना ही मालूम था कि हाकिम वक्त पे किसी ने खुरूज किया है, तो हम हुसैन को खारिजी समझते थे। जब उनका लाशा छोड़कर लोग चले गए और मैं अपने खेतों और बागों की फिक्र में गया तो मैंने देखा कि उधर से जो हवा आ रही है, अजब मुश्क की खुशबू आ रही है। पहली बात तो मेरे लिए यही हैरत की थी कि या अल्लाह, जिन्हें हम खारिजी समझते हैं, आखिर ये कौन है कि इनके लहू से, इनके जिस्म मुबारक से कैसी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो हमने कभी सूंघी नहीं। उसने कहा मैं इसी
हैरत में रहा कि सूरज ढला, शाम हुई तो मैंने देखा कि जैसे लगता है कि आसमान से बहुत से सितारे आ रहे हैं इन लाशों के पास और फिर वो ऊपर बुलंद हो रहे हैं। सितारे आ रहे हैं और जा रहे हैं, सितारे आ रहे हैं और जा रहे हैं। उसकी ये समझ में नहीं आया, ये सितारे नहीं, ये नूरी मखलूकात हैं, ये मलाइका हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबना रसूलिल्ला। इसने और भी करामतें नकल की हैं लेकिन बस अब शायद ये फिक्र कभी नहीं सुना होगा आपने। 11 मुहर्रम गुजर गई, 12 मुहर्रम गुजर गई और उसके बाद बनी असद की औरतों ने अपने मर्दों को गैरत दिलाई। कि तुम्हें क्या हो गया है, हुसैन ने तुमसे ये जमीन खरीदी थी फिर तुम ही को इसका मुतवल्ली बनाया है और इस शर्त के साथ मुतवल्ली बनाया है कि तुम हमारे लाशों को दफन करोगे। अब हुकूमत वक्त का लश्कर जा चुका, तुम्हें किसका खौफ है? दफन क्यों नहीं करते? अगर तुम नहीं जाते हो तो हम जाएंगे। औरतों के साथ बच्चे तैयार हो गए कि मुट्ठी मुट्ठी हम खाक डालेंगे तब भी लाशें दफन हो जाएंगे। बच्चों और औरतों के गैरत दिलाने पर जब बनी असद आमादा होकर आए हैं तो बस रिवायतों में यही है कि इन्होंने दफन किया है, यह है दफन करने में मदद की है, दफन किया है, बस ये है रिवायत में। कल परसों दो तीन दिनों से कह रहा हूं कि कुछ मंजर मुअर्रिख को नजर नहीं आते हैं। आपको मालूम है आका हुसैन की कब्र तो मुस्तफा ने अपने हाथ से तैयार की थी। ये जनाब बीबी उम्मे सलमा के ख्वाब में मौजूद है। जनाब बीबी उम्मे सलमा ने नकल किया है कि मैंने देखा रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए, मैंने देखा कि सर मुबारक पे अमामा नहीं है, रीश मुबारक, जुल्फों पर बहुत गर्द है, बहुत खाक है, बहुत मिट्टी है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको किस हाल में देख रही हूँ? तो आपने फरमाया मैं हुसैन और हुसैन के साथ कत्ल होने वालों की कब्र तैयार करके आ रहा हूँ। कब्र रसूल ने तैयार की है, गोया जब बनी असद आए हैं तो कब्रें तैयार थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हुसैन कौन है, अब्बास कौन है, अकबर कौन है, असगर कौन है, किसको कहाँ दफन करें। उस वक्त इन्होंने देखा है कि कूफे की तरफ से आने वाला कोई सवार आ रहा है, ये कोई और नहीं बेजाज इमाम का बेटा और इमाम वक्त सैयद सज्जाद था जो करबला पहुंचा है और बनी असद को अपनी रहनुमाई में तदफीन के लिए मदद फरमाई है और खुद अपने बाबा को कब्र में उतारा है। मगर कैसे उतारा होगा आका, किस अंदाज से उतारा होगा? सीने की हड्डियां तो चूर चूर हो चुकी थी। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। वो फिकरा जिसके लिए मैंने कहा शायद इससे पहले ना सुना हो, मैंने आज ही खुद मैंने आज मुतालआ किया है, वो फिकरा ये आका हुसैन को इमाम ने दफन फरमाया और आका के भाई ने पा हजरत अली अकबर को दफन फरमाया, तमाम शुहदा को जमा करके एक बड़ी कब्र में दफन फरमाया, उसके बाद तराई की तरफ आए।
جہاں حضرت ابو الفضل العباس آقا کا وفادار غلام جو بھائی ہوتے ہوئے زندگی بھر غلامی کا دم بھرتا رہا, ان کا لاشا پڑا ہوا تھا, مگر سن سکو گے عزیزوں کس کیفیت میں تھا لاشا, دشمنوں نے کیسا انتقام لیا تھا عباس سے, دشمنوں نے کیسا انتقام لیا تھا عباس سے. میں مجبور ہوں حوالہ دینے پر, علامہ سید مہدی بحر العلوم رحمت اللہ علیہ, ان سے کسی نے جا کے پوچھا, اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے, اوپر آپ جائیں گے دیکھیں گے تو آقا عباس کی زری کوئی بہت بڑی زری نہیں ہے, نسبتاً چھوٹی زری ہے. نیچے اگر آپ مشرف ہو زیارت کے لیے, اس فقیر کو ایک مرتبہ آقا نے یہ شرف بخشا, میں نے تعویذ قبر جا کے زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. نیچے جو اصل قبر ہے بہت چھوٹی سی قبر ہے, بہت چھوٹی سی قبر ہے. علامہ سید بحر العلوم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو الفضل عباس جوان تھے, بہادر تھے, بہت قداور تھے, ان کا پاؤں, ان کے پاؤں سے رکاب چھوٹی پڑتی تھی, گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین پر قدم خط دیتا جاتا تھا, اس قدر بلند و بالا شخصیت, قداور شخصیت, قبر اتنی چھوٹی کیوں؟ جناب سید بحر العلوم نے خوب کیا کیا, تمہیں نہیں معلوم دشمنوں نے کس طرح عباس سے انتقام لیا ہے, دشمنوں نے عباس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. جب جناب سید سجاد دفن کرنے کے لیے آئے, ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے تو دوسرا ٹکڑا علیحدہ ہو جاتا تھا, چھوٹی سی قبر میں ٹکڑے ڈال دیے, چھوٹی سی تعویذ قبر بنائی اور زیارت پڑی, السلام علیکم. No, I didn't know.